नमस्कार, मैं अरुण छाजेड। आज 9th of October 2019, टोटल 6 नोटिफिकेशंस, उसका हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सीजीएसटी रूल में अमेंडमेंट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नॉट बिकॉज दैट आई एम डूइंग द मार्केटिंग ऑफ माय वीडियो, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विद रेस्पेक्ट टू आईटीसी, न्यू फॉर्मूला ऑफ 20%, हाउ द जीएसटीआर 3B विच वॉज अर्लियर नॉट ए रिटर्न इन ल्यू ऑफ द जीएसटीआर 3B, GSTR 3 now become in replacement of the GSTR 3, जिसे मैं पहले GSTR 3B को GSTR 3 का रिटर्न नहीं मानता था, और अब ऐसा क्या चेंजेस हुआ है जिसने गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को भी एक बार सोचने को मजबूर कर दिया कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, क्या इस अमेंडमेंट के बाद में भी हमें वो डिसीजन ध्यान में रखना जरूरी है? ट्रान 1 के ड्यू डेट के एक्सटेंशन के रिगार्ड में DRC 01 कैपिटल एक नया फॉर्म अनाउंस हुआ है, उसके रिगार्ड में बात करेंगे। इस तरह के कई अमेंडमेंट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज इट गिव्स द वेरियस अमेंडमेंट लाइव डिस्कशंस वीडियोस एट टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर स्टार्टिंग। These are the list of the notifications, 49, 48, 47, 46, 45, 44, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम सभी नोटिफिकेशन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 49/2019, डेटेड 9th of October 2019, GSTR 3B, सस्पेंशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में भी एक प्रोविजन का डिस्कशन किया गया, रूल में अमेंडमेंट हुआ है। आईटीसी की नई कंडीशन, प्रैक्टिशनर के रिगार्ड में कुछ प्रोविजंस, रिफंड के रिलेटेड क्या चेंजेस हुए, ट्रान 1 की ड्यू डेट एंड DRC 01 कैपिटल है। मैं बात करता हूं रूल 21 कैपिटल ए की, जो कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में है। इसमें सब रूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। क्या है वो एक्सप्लेनेशन? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल, द एक्सप्रेशन shall not make any taxable supply shall mean that the registered person shall not issue the tax invoice and accordingly not charge tax on the supply made by him during the period of suspension. Aapko dhyan hoga notification number 3/2019 dated 29th Jan 2019, ek naya rule aaya tha 21 capital A, suspension of registration. Hame kafi relief mili thi kyunki hamara sabse bada confusion tha, agar maine रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कर दी है तो क्या मुझे जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं या नहीं करने हैं, क्या मेरी लेट फीस का मीटर चालू रहेगा, उसके रिगार्ड में 21 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ। बाकी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रूल 21 कैपिटल ए के सब रूल 3 में। क्या प्रॉब्लम थी सब रूल 3 में? सब रूल 3 में प्रॉब्लम थी ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड either because of subrule 1 or 2 shall not make any taxable supply. क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा suspended है तो मैं taxable supply कर ही नहीं सकता। This should not be happen. हो सकता है मैंने suspend करवाया है, मैंने cancellation की application file की just because कि मेरी threshold limit कम है, but this subrule is giving the impression that I cannot make a taxable supply. So now it has been clarified, shall not make any taxable supply का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा एंड वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा ऑन द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन के पीरियड में अब मैं सप्लाई तो कर सकता हूं, बट मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा और मैं उसके ऊपर टैक्स चार्ज करने के लिए लायबल नहीं हूं। सो दिस इज रियली ए गुड एक्सप्लेनेशन। मैं 21 कैपिटल ए के सब रूल 5 जो नया एड हुआ है उसके रिगार्ड में बात करते हैं। अगर मेरा सस्पेंशन रिवोकेशन हो जाता है, रिवोकेट हो जाता है, उस केस में सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए एंड सेक्शन 40 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। 31(3)(a) क्या चीज के रिगार्ड में था? 31(3)(a) आपके रेफरेंस के लिए मैंने दोनों सेक्शन के रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट को यहां पे रखा गया है। सेक्शन 31(3)(a) रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये रिवाइज इनवॉइस की बात करता है कि विद इन वन मंथ आई कैन इश्यू द रिवाइज इनवॉइस, और सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न की बात करता है. These the provision of these sections and the procedure specified therein shall apply. अगर मेरा suspension revoked हो जाता है तो मैं बात करता हूँ rule 36 clause 4 की एक नया जो कि नया clause insert हुआ है. rule 36 क्या चीज का था, वो कहता था क्या क्या documentary requirement है और conditions है क्या चीज के लिए, ITC claim करने के लिए क्या क्या document होनी चाहिए और क्या क्या conditions होनी चाहिए. उसके अंदर एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, गौर से सुनिएगा सर. इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर. रिपीट करता हूं वापस, आईटीसी टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन. मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मुझे आईटीसी कितनी अवेल करनी है, कौन से इनवॉइस के रिगार्ड में, ऐसे इनवॉइस ऐसे डेबिट नोट जिसकी डिटेल अपलोड नहीं की गई है, कहां पे, GSTR 1 में, रेस्पेक्टिव सप्लायर ने GSTR 1 फिल नहीं किया गया, नहीं किया जिसके कारण वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करे, शैल नॉट एक्सीड 20%. नाउ देयर इज एन अपर कैप, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20% तक हो सकता है, और 20% किसका, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट The details of which has been uploaded. तो जितनी अपलोड हुई है, जितना एलिजिबल क्रेडिट है, अपलोड में से भी जितनी एलिजिबल क्रेडिट है उसका मैक्सिमम 20% का मैं आईटीसी ले सकता हूं बेस ऑन मिसिंग इनवॉइसेस. सो देयरफॉर आई हैव रिटन सिंपल फॉर्मूला, आईटीसी ऑफ दोज इनवॉइस विच नॉट अपलोडेड इन द GSTR 1 इज मैक्सिमम, सो आई कैन से द लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ द क्रेडिट for invoice or the debit note which has been uploaded in GSTR 1. अब मैं बात करता हूं rule 61 sub rule 5 की. ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. Form and manner of the submission of monthly returns. 61 sub rule 5 क्या कहता था? The following sub rule shall be substituted. And ये जो substitution हुआ है, ये जो effective है, इसकी date please ध्यान से देखिए, इसकी डेट है 1 जुलाई 2017. इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया है. ये वही सब रूल है जो 3B के इंसर्शन की बात करता था. क्या चेंजेस हुआ, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ. प्रोवाइडेड दैट वेयर रिटर्न इन GSTR 3B इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय ए पर्सन रेफर्ड टू इन सब रूल 1. अगर किसी को GSTR 3B फाइल करना है, देन सच पर्सन shall not be required to furnish the return in GSTR 3. आज तक मैं यही कहता था कि GSTR 3B is in addition to the GSTR 3. GSTR 3B is in addition to the GSTR 3. Therefore, जो हम टाइम लिमिट की बात करते थे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में, जो हम टाइम लिमिट की बात करते थे, क्या टाइम लिमिट था, आईटीसी लेने का एक लास्ट डेट थी, कट ऑफ डेट थी. क्या थी वो, 16 सबसेक्शन 4 कहता था ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और सेक्शन 39 के रिटर्न क्या था, GSTR 3. एंड और हम 3B को क्या समझते थे, GSTR 3B इज इन एडिशन टू द GSTR 3. बेस्ड ऑन दैट गुजरात हाई कोर्ट हैज गिवन आल्सो गिवन वन डिसीजन, एंड उन्होंने कहा कि आईटीसी हम तब तक ले सकते हैं जब तक हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया. 16 सबसेक्शन 4 में भी दो डेट की बात करता है, एक तो रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर. सो नाउ वी कैन से द GSTR 3B इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ द GSTR 3. जिस मंथ आपने GSTR 3B फाइल कर दिया, नाउ वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द GSTR 3 एट ऑल. वी नीड टू थिंक व्हाट वुड बी द लास्ट डेट for claiming the ITC after making this retrospective amendment. I hope it's clear. मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा है इन सारे डिस्कशंस में. मैं अपना व्यू पॉइंट जो मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ रख रहा हूं. हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी मुझे जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं.
Now one more point. Subrule 6 shall be omitted or wo bhi with retrospective effect. Kya tha subrule 6? Where a written inquiry has been furnished after the due date for furnishing the detail in the GSTR 2. Part A of GSTR 3B shall be electronically generated based on the GSTR 1, GSTR 2 and based on the other liability of preceding tax period, and Part B of the said return shall be electronically generated on the basis of the return of 3B furnished in respect of that tax period. The registered person shall modify the Part B in GSTR 3 based on the discrepancy, if any, between the 3B and the GSTR 3. Where the amount of the ITC in GSTR 3 exceeds the amount of the input tax credit in 3B, the addition amount shall be credited to the electronic credit ledger. All such provision clause has been omitted and that to be retrospective. Now we definitely need to think what could be the last date. According to me, now we had to think about, now we had to consider the due date of the GSTR 3B only. अब मैं बात करता हूं जीएसटी प्रैक्टिशनर रूल 83 कैपिटल ए के रिगार्ड में. एग्जामिनेशन ऑफ द जीएसटी प्रैक्टिशनर के रिगार्ड में रूल है, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 6 को. क्या लिखा गया, एवरी पर्सन रेफर टू इन द क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 83. रूल 83 सब रूल 1 क्लॉज बी क्या कहता है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए वो पर्टिकुलर प्रोविजन सामने रखा है. एंड हु इज एनरोल्ड एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर under subrule 2 is required to pass the examination kab tak, within the period as specified in the second proviso to subrule 3 of the said rule. So time limit kya ho gayi sir, ye aapko malum hoga rule 83 subrule 1 clause b kiske bare mein baat karta hai, that is enrolled as a GST cell tax practitioner or TRP tax return preparer under the existing law for a period of not less than 5 year, jinko practice karte hue pre GST design mein income tax se cell tax mein 5 saal kam se kam ho gaye hain, वो क्लॉज बी में इनरोल करवा सकते हैं अपने आप को एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर. और 83 सब रूल 2 किसके बारे में बात करता है, जिनको पीसीटी 02 इश्यू हो गया जीएसटी प्रैक्टिशनर. सो नाउ दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड प्रोविजन. मैं बात करता हूं रूल 91 की रिफंड के रिगार्ड में, ग्रांट ऑफ द प्रोविजनल रिफंड. यहां पे एक पेमेंट एडवाइस एक वर्ड ऐड किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम द 24 सितंबर 2019 आफ्टर द वर्ड एप्लीकेशन फॉर द रिफंड द वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस शैल बी इंसर्टेड. सिमिलरली इसको यहां पे भी सब रूल 3 के बाद में एक नया सब रूल इंसर्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पर्स द रिफंड बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस इशूड अंडर सब रूल 3. तो वर्ड कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस हैज बीन एडेड. कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इसमें 50% ऑफ द रिफंड 50% ऑफ द फंड द कमिटी शैल मेक अवेलेबल टू द बोर्ड 50% ऑफ द फंड क्रेडिटेड टू द फंड ईच ईयर. जितना भी फंड क्रेडिट हुआ उसका 50% अवेलेबल करवाएगा बोर्ड को, और बोर्ड क्या चीज के लिए यूज करेगा, फॉर पब्लिसिटी और कंज्यूमर अवेयरनेस ऑन द जीएसटी. सब रूल 8 उसको ऑमिट कर दिया, डिलीट कर दिया, एंड दैट टू बी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. बात करता हूं रूल 117 की, यहां पे ट्रान 1 की ड्यू डेट के बारे में बात की गई है, जहां जो पहले 31 मार्च 2019 थी, अब इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया 31 दिसंबर 2019. सिमिलरली ट्रान 2 की जो ड्यू डेट 30 अप्रैल 2019 थी, इसको क्या कर दिया 31 जनवरी 2020. दिस इज रियली ए गुड एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू द ड्यू डेट. नोटिस एंड द ऑर्डर फॉर द डिमांड ऑफ अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74, जो 73 में मालूम है हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है अगर हमारा इंटेंशन सही है बट फिर भी हमने रिफंड एक्सेस क्लेम कर दिया या टैक्स कम जमा करवाया या आईटीसी ज्यादा अवेल कर लिया. 74 वुड बी अट्रैक्टेड इन केस आई हैड द डिफॉल्ट इंटेंशनली, मालाफाइड इंटेंशन था मेरा. सो यहाँ पे क्या एक नया फॉर्म इंसर्ट किया है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर द सर्विस ऑफ द नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विद द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी 73 या 74 शैल कम्युनिकेट द डिटेल, शैल कम्युनिकेट द डिटेल्स किसमें, डीआरसी 01 में. इसमें डीआरसी 01 का फॉर्मेट भी फॉर्म भी इंसर्ट किया है, फॉर्म डीआरसी 01A इंटीमेशन ऑफ द टैक्स असर्टेड एज बीइंग पेबल अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और 74 सबसेक्शन 5. पार्ट बी भी है इसमें, पार्ट बी क्या कहता है, रिप्लाई टू द कम्युनिकेशन
और पेमेंट, और पेमेंट किसके पहले, बिफोर इश्यूएंस ऑफ द सो कॉल्ड नोटिस, क्योंकि यहां पे पेनल्टी का अमाउंट कम या कुछ भी नहीं लगता पेनल्टी, फॉर दैट यू नीड टू रेफर द सेक्शन 73 एंड 74 इन डिटेल। ये मेरा मेजर अमेंडमेंट था जिसका डिस्कशन मुझे करना जरूरी लगा, इसलिए मैंने आपके साथ अपना व्यू पॉइंट रखा। एंड अब मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन 48 की, जो बात करता है जिसने क्या किया, नोटिफिकेशन 41 में अमेंडमेंट किया। नोटिफिकेशन 41 कुछ ड्यू डेट के रिगार्ड में एक्सटेंशन की बात करता था, उसमें विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर द फॉलोइंग फोर क्लोजेस हैज बीन इंसर्टेड। सो चार या पांच क्लोज इंसर्ट हुए जो ड्यू डेट के रिगार्ड में। सबसे पहले अगर मंथली जीएसटीआर 1 है, अगर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनकी जो अगस्त 2019 की जो ड्यू डेट है उसको क्या कर दिया, 11 अक्टूबर 2019, जुलाई एंड अगस्त जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस रिटर्न के बारे में बात करता है, उनकी ड्यू डेट को 10th ऑफ अक्टूबर 2019 कर दिया। जुलाई एंड अगस्त 2019 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट को 20th ऑफ अक्टूबर 2019 कर दिया। किसके लिए, ओनली फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अदर चेंजेस, नोटिफिकेशन 47 ने क्या किया, एनुअल रिटर्न को ऑप्शनल कर दिया, किसके लिए, स्मॉल टैक्स पे के लिए। ये भी एक अच्छा नोटिफिकेशन है। नाउ वी कैन से द एग्रीगेट टर्नओवर, जिसकी टर्नओवर, नाउ वी कैन से द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 2 crore हु हैव नॉट फाइल्ड द सच रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, नाउ इट इज एन ऑप्शनल टू फाइल द जीएसटीआर 9। नोटिफिकेशन 46 seeks to prescribe the due date for furnishing the return in GSTR 1 for registered person having the turnover more than 1.5 crore, मतलब monthly, GSTR 1 October to March 2020 का GSTR 1 का due date fix कर दिया, that would be October to March 20, जो monthly return है, इनकी due date क्या है, 11th of next month। Notification 45, क्वार्टरली रिटर्न के लिए जीएसटीआर 1 की डेट फिक्स की गई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए 31 जन और जनवरी फरवरी मार्च 20 वाले क्वार्टर के लिए 30 अप्रैल। जीएसटीआर और नोटिफिकेशन 44 जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बारे में बात करता है, दैट वुड बी दी सेम जो हम अभी फॉलो करते हैं, दैट वुड बी द 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसी के साथ मेरा ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगर आपके कोई व्यू पॉइंट है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल रिवर्ट।